माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको RDA से संबंधित, RDA 2020 से संबंधित कुछ प्रश्नों की बौछार कर रही हूँ। आंसर नहीं बताऊँगी, ऑप्शन ज़रूर बताऊँगी, फिर देखूँगी कितने बच्चे को कितना सही आता है, बच्चों की तैयारी कैसी है। क्योंकि जितना मेरे पास रहता है उतना मैं आपको कर देती हूँ, जो नहीं कर पाती हूँ वो छोड़ देती हूँ, काम भी हमारे पास ज़्यादा रहते हैं। तो चलो वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला ऑप्शन है, अघुलनशील रेशों में होता है, इनसॉल्युबल फाइबर में होता है। पहला ऑप्शन है हेमी सेलुलोज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है लिग्निन और चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जवाब आपको देना है। आज केवल मैं RDA से प्रश्न पूछ रही हूँ, उसका आंसर नहीं दे रही हूँ। आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अघुलनशील रेशों में क्या होता है, ऑप्शन है आपके पास हेमी सेलुलोज, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है लिग्निन और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है घुलनशील रेशों में उपस्थित रहता है। घुलनशील रेशों में उपस्थित रहता है क्या, पहला है पेक्टिन, दूसरा है गोंद, तीसरा है म्यूसीलेज और चौथा उपरोक्त सभी। क्या सही उत्तर है, ये जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तीसरा है आपके पास ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन, RDA 2020 के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर रेशा की मात्रा आहार में कितना होना चाहिए। पिछले बार नेट में आया था, मैंने 40 ग्राम बताया था, क्योंकि जब मेरे पास RDA थी, मैंने ICMR से मंगवाया था, तब उन्होंने 40 ग्राम ही बताया था, बाद में उन्होंने चेंज किया, तो उसके बाद जो आया है रेशे का वो 30 ग्राम है। ठीक है, RDA 2020 के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर रेशे की मात्रा आहार में कितना होना चाहिए, 40 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम या 60 ग्राम। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉलेट के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा है। फॉलेट के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा है, ऑप्शन है आपके पास 1000 माइक्रोग्राम, दूसरा है 2500 माइक्रोग्राम, तीसरा है 1500 माइक्रोग्राम और चौथा है 4000 माइक्रोग्राम। उत्तर क्या है, सही उत्तर आप बताएं। फॉलेट के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये देखो, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं क्या, रेशा, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, क्या नुकसानदायक होते हैं, या इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होनी चाहिए। विटामिन डी के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होनी चाहिए, टॉलरेबल अपर लिमिट कितना होना चाहिए। ऑप्शन आपके पास 4000 माइक्रोग्राम, दूसरा है 2500 माइक्रोग्राम, तीसरा है 6000 माइक्रोग्राम और चौथा है 8000 माइक्रोग्राम। सही उत्तर क्या है, आज उत्तर नहीं बता रही हूँ, आज मैं केवल क्वेश्चंस बता रही हूँ, क्वेश्चन की बौछार हो रहा है और देखते हैं कि इसमें कितना बच्चा कितना सही उत्तर देता है ना, तो मैं उत्तर भी बता दूंगी। विटामिन डी के लिए अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होनी चाहिए, 4000 माइक्रोग्राम या 2500 माइक्रोग्राम या 6000 माइक्रोग्राम या 8000 माइक्रोग्राम, करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आहारीय रेशे उपस्थित रहते हैं, आहारीय रेशे उपस्थित रहते हैं किस में रहते हैं, दालों के बाहरी आवरण में, सब्जियों के छिलके में, तीसरा है गन्ने के जूस में और चौथा है केवल एक एवं दो, ऑप्शन करेक्ट है। आहारीय रेशा किन में उपस्थित रहता है, दालों के बाहरी आवरण में, सब्जियों के छिलके में, गन्ने के जूस में
या ऑप्शन केवल एक और दो ही करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। सही उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनो, निम्न में से कौन गौण पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन ट्रेस एलिमेंट नहीं है? पहला कैल्शियम, दूसरा सेलेनियम, तीसरा क्रोमियम, चौथा तांबा। ट्रेस एलिमेंट्स इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके पास, पहला कैल्शियम, दूसरा सेलेनियम, तीसरा क्रोमियम, चौथा तांबा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आज मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस किन भोज्य पदार्थों में फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है? फास्फोरस किन भोज्य पदार्थों में फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है आपके पास, मूंगफली, दूसरा है सूखे मेवे, तीसरा है दालें और चौथा है उपरोक्त सभी। किन में फाइटिन, फास्फोरस फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है? पहला ऑप्शन आपके पास, मूंगफली, दूसरा है सूखे मेवे, तीसरा है दालें, चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है वो जवाब आपको देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम की मांग किस अवस्था में अधिक बढ़ जाती है? पहला है गर्भावस्था, दूसरा है धात्री अवस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्क, वयस्क अवस्था। प्रश्न क्या है, कंफ्यूजिंग प्रश्न है थोड़ा, कि कैल्शियम की मांग किस अवस्था में सर्वाधिक हो जाती है, सर्वाधिक बढ़ जाती है? कैल्शियम की मांग किस अवस्था में सर्वाधिक बढ़ जाती है, प्रश्न ये है। ऑप्शन आपके पास, गर्भावस्था, दूसरा है धात्री अवस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्क अवस्था। तो आप ये देखो, कंफ्यूजिंग प्रश्न है, बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। हम अभी उत्तर नहीं बता रहे, उत्तर हम बाद में एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के भोज्य विशेषज्ञों ने ईयर 2020 के अनुसार धात्री माता के लिए कितनी कैलोरी मांग की अतिरिक्त प्रस्तावना की है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भोज्य विशेषज्ञों ने ईयर 2020 के अनुसार एक धात्री माता के लिए कितना अतिरिक्त कैलोरी ऊर्जा दिए जाने की आवश्यकता बताई है? नॉर्मल व्यक्ति से उसे कितना ज़्यादा ऊर्जा चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 350 किलो कैलोरी, दूसरा है 300 किलो कैलोरी, तीसरा है 540 किलो कैलोरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुषों को ICMR 2020 के अनुसार कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? एक साधारण क्रियाशील वयस्क पुरुष को ICMR 2020 के अनुसार कितनी कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्रस्तावना की गई है? ऑप्शन है आपके पास 2110 किलो कैलोरी, दूसरा है 2320 किलो कैलोरी, तीसरा 2710 किलो कैलोरी और चौथा है 3470 किलो कैलोरी। सही उत्तर क्या है? इसमें से एक प्रश्न और, कि एक अधिक क्रियाशील वयस्क पुरुष को ICMR 2020 के अनुसार कितनी कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए, कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, ऑप्शन जो मैंने पहले बताया उसी में उसका आंसर भी छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने पढ़ा होगा
तो और आप ध्यान से दिया होगा तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे दोगे। आरडीए 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में प्रोटीन की मांग ईयर 2020 की तुलना में कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। आरडीए 2020 के अनुसार बाल्यावस्था में प्रोटीन की मांग ईयर 2020 की तुलना में कितना अधिक बढ़ जाता है या घट जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ये, धात्री माता को प्रथम 6 माह में ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है या 6 से 12 माह में। प्रोटीन धात्री माता को कब ज़्यादा जरूरत होती है, पहला 6 महीने में या दूसरे 6 महीने में, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने आरडीए 2020 के अनुसार कम क्रियाशील महिला के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की अनुशंसा की है। ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने आरडीए 2020 के अनुसार अधिक क्रियाशील महिला के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की प्रस्तावना की है। दो क्वेश्चन आपके समक्ष, एक है साधारण क्रियाशील महिला के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की प्रस्तावना की है, दूसरा है अधिक क्रियाशील महिला के लिए कितने ग्राम वसा दिए जाने की प्रस्तावना की है। ऑप्शन है आपके पास 25 ग्राम, दूसरा है 30 ग्राम, तीसरा है 40 ग्राम और चौथा है 60 ग्राम। ये आपके पास प्रश्न थे और हैं, आगे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आरडीए 2020 के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में विटामिन ए की मांग अधिक होती है। आरडीए 2020 के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में विटामिन ए की अधिक मांग होती है, पहला बाल्यावस्था, दूसरा गर्भावस्था, तीसरा है धात्री अवस्था, चौथा है शैशवावस्था। किस अवस्था में सर्वाधिक विटामिन ए दिए जाने की प्रस्तावना की है आरडीए 2020 ने, विटामिन ए की अधिक मांग कब बताई, कब दिया जाना चाहिए। अवस्था आपके पास बाल्यावस्था, दूसरा गर्भावस्था, तीसरा धात्री अवस्था, चौथा है शैशवावस्था। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन के उत्कृष्ट साधन है, राइबोफ्लेविन के उत्कृष्ट साधन है कौन से, पहला शुष्क खमीर, दूसरा है दालें, तीसरा है सब्जियां और चौथा है मक्का। आंसर क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विटामिन B12 किस में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 किस में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपके पास दूध, मांस, मछली, पालक। इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो आज मैंने कुछ प्रश्न आपके आरडीए से संबंधित पूछा है, तो इसका उत्तर बेटा मैंने पहले भी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तब इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप ढूंढो इन प्रश्नों का उत्तर, फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके।